स्टार्ट करूं। चलो तो हम क्या करते हैं, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं, भूल गए हो गए। ठीक है, तो सबसे पहले बनाते हैं डेटाबेस। उस डेटाबेस के अंदर हम कलेक्शन बनाएंगे, कलेक्शन के अंदर डेटा इंसर्ट करेंगे, डिस्प्ले करेंगे। ठीक है, फिर व्यू, एडिट और डिलीट, ये सारे काम आज करेंगे हम लोग। ठीक है ना, आज हम सारे काम करने वाले हैं, व्यू, एडिट और डिलीट वाले। सब रेडी हैं? चलो करो यूज यूज दहली। दहली नाम से बना तो नहीं, पहले चेक कर लो, पहले चेक कर लेना। सो दहली नाम से बना नहीं है ना? ठीक है, चलो यूज दहली। अभी सब देखो, पहले पहले सब देख लो, एंटर दो। डेटाबेस का हमने क्या रखा है, यूज दहली। ठीक है, इसके अंदर क्या बनते हैं, कलेक्शन। तो कैसे लिखेंगे हम, dv डॉट कलेक्शन का नाम आएगा ना, तो लिख दो यहां पर टीचर, टीचर डॉट डॉट इंसर्ट वन, या इंसर्ट मैनी कराता हूं, इंसर्ट मैनी, एक साथ हम तीन चार रिकॉर्ड इंसर्ट कर लेंगे, इंसर्ट मैनी कर लो, इंसर्ट मैनी, और फंक्शन का साइन लगाओ एक, फिर एक एरे का साइन, नहीं, अरे निकल गया, एरे का साइन लगाना था, वो गड़बड़ हो जाएगा, वही लगाना था, एंटर नहीं देना था, अब वो एरर देगा है ना, फिर वो एरर पंगा करेगा, इसलिए। चलो एक काम करो, नहीं चलो कर ली बैक से आगे, भी एक ही कर लो, कर ली बैक से लगा लो, एंटर मारूं क्या करूं, तो नहीं, करली ब्रैकेट्स लगा एरे लो, का साइन देना था तो ना। एक ही कर लो। हाँ वो निकल गया ना, अब नहीं देना होगा। अब चलो ऐसे कर लो, नेम नेम कोलन, नहीं कुछ लिखते हो, नेम और ईमेल दो फील्ड लिख लो। कॉमा ईमेल, कोलन ईमेल, मैंने वाला सही वन ना सही। कर्ली ब्रैकेट्स बंद कर दो, एंटर दे दो। हाँ चलो ऐसे एंटर दे दो, कोई दिक्कत नहीं, चलो बंद, एंटर दे दो। ठीक, चलो वगैरह देगा ना क्वेरी। चलो अब सही से लिख लो दोबारा, सही से थोड़ा सी लेस करो, सी लेस करो, सी लेस, सी लेस कर लो। अब लिखो सर डीवी, एंटर मत देना, डीवी डॉट टीचर डॉट इंसर्ट मैनी, एक फंक्शन का साइन, फिर एरे का साइन, और अब एंटर दो, क्योंकि मल्टीपल करने हैं ना। अब कर्ली ब्रैकेट्स लगाओ, डबल कर्ली ब्रैकेट्स लगाओ। हाँ एक को लगा लो, नहीं अंदर ही अंदर, उसके बंद करो, स्टार्ट और एंड, एंड उसके अंदर लिखो नेम, ईमेल और फोन नंबर। अब लिखते जाओ। हाँ एंड नीचे मत आना, जब मैं बताऊँ तब आना। नेम ईमेल कोलन, अब कली बैग से बाहर जाओ जी, ये हटा बाहर, कॉमा लगा, कॉमा कॉमा कॉमा, अब एंटर दो, अब फिर लगाओ कर्ली ब्रैकेट्स। हाँ ऐसे ऐसे करते जाओ, बाकी लोग भी लिखो इतना, बाकी लोग भी करते जाएं साथ साथ में, इतना यूज कर लो, यूज दहली और फिर कलेक्शन बनाओ साथ साथ में, इतना सब लोग साथ साथ में कर, सही से लिखना, ये अरे फिर साइन है, गलती करते हो आप लोग, कॉमा लगाओ, कॉमा लगाओ, कॉमा, फिर एंटर देखा, ऐसे करो, बाकी लोग कितने करो रुपए साथ साथ में इस डाल तरीके से। एक और कर लो, एक और, तीन काफी है। तीन काफी ना, कौन बहुत है,
रुको रुको, गलत गलत कर दिया, कर्ली ब्रैकेट आएगा, कर्ली ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, एंटर दो, एंटर कॉमा में लगाना, एंटर दे दो, एंटर दो, एरे, अब फंक्शन का साइन लगाओ, एरे का साइन लगाओ, एरे बंद करो और फंक्शन साइन बंद करो, बस एंटर, अब एंटर दे दो। हाँ तो देखो तीनों वर्ड इंसर्ट हो गए एक साथ, बाकी लोग करें, बाकी लोग db.teacher.find फंक्शन का साइन लगा दो, फंक्शन का साइन, एंटर दे दो, देखो डिस्प्ले हो गए रिकॉर्ड, थोड़ा जूम कम कर देना, बस ठीक है, इतना काफी है। देख लो हमें डिस्प्ले भी कर लिए, इंसर्ट हो गया, डिस्प्ले हो गया, व्यू करना होता है व्यू। अब व्यू वाला काम किससे होता है? उस बंदे की आईडी से होता है। जैसे आप लोग फेसबुक चलाते हो तो फेसबुक में क्या करते हो, आप लोग अपने प्रोफाइल पे क्लिक करते हो तो आपकी प्रोफाइल ओपन हो जाती है। तो ये काम कैसे होता होगा? ये काम आपकी आईडी से होता है, क्योंकि तो जब आपने रजिस्ट्रेशन किया था ना फेसबुक में, तो आपका वहां पर एक यूनिक आईडी जनरेट हुई होगी। जब आप प्रोफाइल पे क्लिक करते हो तो उसी आईडी की वजह से आपका डेटा उठ के आ जाता है, ठीक है। तो अब जैसे मान के चलो रोहित है, ये यहाँ पे मोहित है, इनकी मुझे पूरी डिटेल चेक करनी है, तो है ना, अगर मुझे पूरा रोहित का डेटा चेक करना हो तो व्यू वाला काम, उसको व्यू बोलते हैं, ठीक है। तो व्यू वाला काम कैसे होता है? वो होता है आईडी से। अब जब आप यहाँ पे इंसर्ट करते हो मोंगो डीबी के अंदर, तो मोंगो डीबी क्या करता है, आपको हमेशा एक आईडी जनरेट करके देता है, ऑब्जेक्ट आईडी, दिख रही है ना आपको, अंडरस्कोर आईडी, ऑब्जेक्ट आईडी, ये आपको प्री डिफाइन मिलती है। ये आईडी यूनिक होती है, यहाँ पे आपको ना प्राइमरी की लगाने, कुछ लगाने की हेडिंग ही नहीं होती है। तो हम किसी की भी आईडी से उस बंदे का डेटा उठा सकते हैं, है ना। चलो आओ करते हैं काम, वी वाला देखो, डी वी डॉट फाइंड करते हैं आईडी से डेटा, टीचर, टीचर डॉट फाइंड, फंक्शन का साइन, उसके अंदर कर्ली ब्रैकेट लगाओ, कर्ली ब्रैकेट लगा के, हाँ लगाओ और बंद कर दो फंक्शन को। अब जो लिखा है ना आईडी, जो डॉलर अंडरस्कोर आईडी लिखी है, ये पूरी लाइन कॉपी कर लो ऊपर से, ये मोहित की, मोहित रोहित है ना, रोहित की आईडी पूरी, माउस लेके जाओ उससे सेलेक्ट करो, ये नहीं, ये नहीं, पूरा पूरा आगे से अंडरस्कोर आईडी से, अंडरस्कोर आईडी यहाँ से, हाँ यहाँ से पूरा, और कहाँ तक, यहाँ तक एंड तक, वहाँ से सेलेक्ट करो, पहले सेलेक्ट करो, यहाँ से नहीं, यहाँ से नहीं, यहाँ से नहीं, डबल कोट, डबल कोट में से सेलेक्ट करो, बस कंट्रोल सी करना है, कंट्रोल सी का पूरा लेना था वो। चलो कोई नहीं, अब देखो हमने क्या किया, पहले सब सुनो, हमने पहले किया कंट्रोल सी, अब यहाँ पे कैसे पेस्ट होगा, राइट क्लिक करके पेस्ट होगा, राइट क्लिक करो, सी पेस्ट हो जाएगा वो, देखो पेस्ट हुआ, और बंद कर दो उसको, एक फंक्शन साइन लगा दो अंदर, अंदर ही कर ली बैकेट से पहले, फंक्शन का साइन कर ली बैकेट से पहले, हाँ यहीं पर लगाओ बस, हाँ भाई। तो हमने पहले क्या किया पता है, पहले हमने कॉपी किया, कंट्रोल सी से कॉपी करते हैं, पेस्ट कैसे करते हैं, राइट क्लिक करना होगा, तो आपके में ये पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। हमने क्या क्वेरी, हमने क्वेरी हमने क्या लिखी, हमने लिखा डीबी डॉट टीचर डॉट फाइंड, किसको फाइंड करना है, मैंने कहा अंडरस्कोर आईडी, जो अंडरस्कोर आईडी प्री डिफाइन है, मैंने कहा जिसकी ये आईडी हो ना उसका डेटा फाइंड कर लाओ, एंटर दो, अब एंटर दो, एंटर दे दो, नहीं कर्ली ब्रैकेट वगैरह सही है क्या, मतलब गलत नहीं है? हाँ वो सब सही है, सही है, सही है, सही था एंड में, कहाँ लगाया, कर्ली ब्रैकेट लगाया, हाँ वो गलत गलत लगा दी ना, कर लिया एक और ब्रैकेट लगेगा सर, एक को ब्रैकेट लगा, एंटर दे दो, पहली ब्रैकेट के आगे एक और ब्रैकेट आएगा, एक को लगा दो ब्रैकेट, एक और ब्रैकेट लगा, एंटर दे दो, अरे ब्रैकेट लगा, अब दोबारा चला दो, दोबारा चला,
दोबारा चलाओ क्वेरी, एक ब्रैकेट और लगा दो। कर ली ब्रेसेस, रुको रुको, पहले रुको, कर ली ब्रेसेस के रुको, रुको, आगे एक पहले ब्रैकेट बोलो, लगेगा। रुको 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 रुको, पहले पहले कर ली ब्रैकेट हटाओ, पहले हाँ सही ब्रैकेट लगाओ, बंद करो, कर ऐसे लगा दो, फिर वो कर ली ब्रैकेट लगाओ और फिर एक और ब्रैकेट लगाओ, बस सही है। अब एंटर दो। आ गया, आप लोग जल्दी चला उसको। अब देखो अभी जो फाइंड किससे किया हमने, अभी जो फाइंड किया आईडी से, अब आप लोग फाइंड करो नेम से, ठीक है? इसके बाद नेम से फाइंड करना, करो मैं एक मिनट में आया। फाइंड फंक्शन का साइन लगाओ उसके अंदर, कर्ली ब्रैकेट्स और कर्ली ब्रैकेट्स बंद करो और वो बंद करो। अब इसके अंदर देखो नेम, हम नेम से फाइंड कर रहे हैं, कोलन सिंगल कोट के अंदर लिख दो मोहित। अब मोहित से जो भी डेटा होगा उठ के आ जाएगा, एंटर दे दो। देखो उठ के आ गया मोहित से, हाँ करो सोलो इतना कमेंट से। तो हमने फाइंड किस किस से कर लिया, इंसर्ट, ओ सॉरी इंसर्ट में क्या कर रहा हूँ, डीवी डॉट टीचर टीचर डॉट अपडेट वन, अपडेट वन ओ कैपिटल, फंक्शन का साइन कर लिया केस। अब उसके अंदर लिखो कर लिया अंदर लिखो। अब देखो हमें किससे अपडेट करना है, आईडी से, तो पहले वो आईडी ले लो, मोहित की आईडी डाल दो उसके उठा के, मोहित की आईडी ले लो, जैसे अभी कॉपी करी थी ना अपन ने, वैसे फिर से कॉपी कर लो मोहित की आईडी, क्योंकि आईडी तो यूनिक होती है, यहाँ तक, हाँ यहाँ तक कॉपी करके पेस्ट करो कर्ली ब्रैकेट इसके अंदर, राइट क्लिक करके पेस्ट कर दो। अच्छा कंपनी हुई है, और बंद करो ब्रैकेट पहले इसको, ये लगाओ फंक्शन साइन लगाओ डबल कोट के बाद, हाँ बस। अब यहाँ पे क्या करना है, कर्ली ब्रैकेट के बाद कॉमा लगाओ, कर्ली ब्रैकेट के बाद कॉमा लगाना होगा, कर्ली ब्रैकेट के बाद, है ना? अभी आपने क्या कहा, आपने कहा अपडेट करना है, तो पहले हमने यहाँ पर डाली आईडी कि भाई तुम डेटाबेस में जाओ, इस आईडी को जाके ढूंढो। अब उसने वो आईडी ढूंढ ली, अब वो कह रहा है क्या करें हम ढूंढने के बाद, ये तो कह रहा है, तो अब मैं उसको बताऊंगा कि भाई तुम्हें क्या अपडेट करना है। तो अब यहाँ पे लगाओ कर्ली ब्रैकेट, डबल कर्ली ब्रैकेट लगाओ, ये को लगा लो। अब उसके अंदर लिखो डॉलर सेट डॉलर सेट, ठीक है, कोलन कोलन, फिर कर्ली ब्रैकेट, स्टार्ट स्टार्ट एंड। अब उसके अंदर लिखो कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखो ईमेल कोलन, ईमेल कोलन डाल दो, raj@gmail.com, ईमेल अपडेट करना था ना, raj@gmail.com लिख दो उसी के अंदर ही, डबल कोट के अंदर, डबल कोट क्या था, यस सर, हाँ डबल कोट सिंगल कोट कुछ लिख दो, raj@gmail.com, चलो कुछ भी लिख दो कोई दिक्कत नहीं है, बंद कर दो। अगर आपको और भी कुछ अपडेट करना है ना, तो कॉमा लगा दो, कॉमा लगा के कुछ और भी अपडेट कर सकते हो, ठीक है ना, कॉमा लगा दो, नेम अपडेट करना, नेम भी अपडेट कर सकते हो, ठीक है। अब क्वेरी क्या कह रही है, क्वेरी ये कह रही है कि भाई आप जाके पहले टीचर टीचर के कलेक्शन में जाओ, वहां पर जाके देखो कि जो आईडी उसके अंदर है कि नहीं, आईडी इसको मिल गई। फिर उसने कहा क्या सेट करना है, मैंने कहा वहां पर जाके देखो ईमेल नाम का कॉलम है, मिल गया, उसमें जाके आप ईमेल सेट कर दो या अपडेट कर दो, ठीक है, एंटर दे दो, एंटर दे दो। देखो आगे क्वेरी, ओके अब फाइंड करके चेक करा दो, फाइंड कर देना db.teacher.find फंक्शन का साइन, एंटर दे दो। देखो अपडेट हो गया, देख लो मोहित का ईमेल आईडी mo@gmail.com हो गया अपडेट।
आप लोग देखो चला के देखो इतनी गाड़ी चला के देखो अपडेट की गाड़ी अपडेट की गाड़ी चलाते अपन अपन अब क्या करते हैं। हाँ जी डिलीट कैसे करते हैं देखो रिकॉर्ड मान के चलो हमें कोई रिकॉर्ड डिलीट करना है ना हमें कोई रिकॉर्ड डिलीट करना है तो कैसे लिखोगे डीबी डॉट लिखो डीबी डॉट टीचर टीचर डिलीट और फंक्शन डिलीट फंक्शन का साइन कर ली बैकेस लगा लो उसके अंदर वो आई डाल दो जो सा रिकॉर्ड डिलीट करना है उसकी आईडी उसके अंदर पेस्ट कर दो उठा के कोई आईडी उठा के पेस्ट कर दो और उससे डिलीट हो जाएगा। एंटर दे दो देखियो अच्छा रीड रीड वो कर दो रीड बंद कर दो रीड बंद कर दो बंद कोई नहीं बंद बस ठीक है चलो फाइंड कर लो फाइंड करके चेक कर लो रीड हुआ कि नहीं हुआ बाकी लोग भी करा है नीचे डिलीट फॉन्ट साइज़ ज़ूम कर लो टीचर हाँ टीचर थोड़ा इसको कर लो टीचर डॉट फाइंड फंक्शन का साइन उसके बाहर फंक्शन बार बार बाहर उसके बाहर डॉट लिमिट अब कितने दिखाने हैं मैंने कहा लिमिट और फंक्शन का साइन लगाओ उसके अंदर लिख दो वन मुझे वन पहला वाला रिकॉर्ड एक ही रिकॉर्ड दिखाना है ठीक है एंटर दो देखो एक ही रिकॉर्ड क्या आया दिख रहा है अगर मैं कर दूंगा लिमिट टू तो दो रिकॉर्ड क्या आ जाएंगे लिमिट टू कर देना लिमिट टू कर दो टू दो दो रिकॉर्ड का गए जी सर ऐसे लगा देखो काउंट नीचे आओ काउंट डीवी डॉट टीचर डॉट फाइंड लिमिट को काउंट लगा दो काउंट काउंट जो बताएगा कितने रिकॉर्ड इंसर्ट है उसके अंदर टू हटा देना अंदर से उसके काउंट क्या बताएगा कितने रिकॉर्ड है उसके अंदर टीचर के अंदर एंटर दो तो दिखा रहा है टू चला के देखो आप लोग क्वेरी वाली दोनों कोलन ईमेल कोलन सिंगल कोट में लिख दो ईमेल डाल दो उसका ईमेल जो है मोहित का अब मैं यहां पे क्या कह रहा हूं पता है जो एक तरह की एंड वाली क्वेरी काम कर रही है एंड समझ सुन एंड जानते क्या होता है एंड पता है ना सबको दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए इसी में क्या कर रहे हैं हम कह रहे हैं कि नाम रोहित होना चाहिए फाइंड क्या करो नाम रोहित हो ईमेल rohit@gmail.com अगर दोनों जब सेम मिलते हैं तभी डेटा आउट क्या आएगा एंटर दो देखो क्या आ गया अब एक काम करो ईमेल चेंज कर देना दोबारा चलाओ क्वेरी ईमेल चेंज कर दो उसी में कहाँ से पीछे पहुंच गए आगे आओ पीछे जा चले गए बस ईमेल का ईमेल रोहित की जगह आर एस कर दो एस पूरा क्यों डाल रहे हो लिखना टाइम जरूरी नहीं थी चलो कुछ भी लिख दो बस हाँ ठीक है अब देखो अब आउटपुट क्या आएगा कुछ नहीं आएगा देखो एंटर दे दो देखो खाली आया एंड पढ़ा था ना एंड में क्या होता है दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए रोहित तो मिल गया
नहीं, उसको मैं ईमेल नहीं मिला, ईमेल होता क्या है rohit@gmail.com, मगर यहाँ पे ईमेल क्या दिखा रहा है ROH, तो इसलिए डेटा उठ के नहीं आया। नोट करो, हो गया सब। प्रैक्टिस करोगे तो वैसे याद हो जाएंगी, प्रैक्टिस नहीं सारी हो जाएंगी ना आज। अब देखो मैंने कहा रोहित से, रोहित मुझे रोहित और क्या नाम है ये श्रद्धा, मुझे दोनों की डिटेल चाहिए एक साथ में। क्या कहा मैंने? मुझे एक साथ में दोनों बंदों की डिटेल चाहिए। किस किस की? रोहित, श्रद्धा, और भी लोगों की चाहिए। मांग चलो मैंने बोल दी 5 लोगों की डिटेल चाहिए एक बार में, तो फिर आप वो कैसे उठा के लेके आओगे एक बार में? तो वहां पे हम यूज कर लेते हैं किसका, इनका यूज कर लेते हैं, इन। ठीक है, किसका यूज करोगे? इनका यूज करोगे। कैसे? देखो यहाँ पे लिखो, लिखो db.teacher.find। घर पे प्रैक्टिस करना, बहुत दिन से आपने प्रैक्टिस नहीं करी, 8-9 दिन से। घर पे प्रैक्टिस करना, अभी टास्क दे रहा हूँ मैं एंड में, बैच के एंड में ये टास्क बना के सबको ग्रुप में भेजना है अभी। आप लोग उसके अंदर करली ब्रैकेट्स लगाओ, उसके अंदर करली ब्रैकेट्स लगाओ, उसमें लिखो, लिखो नेम, नेम, नेम कोलन, और यहाँ पे लगाओ करली ब्रैकेट्स, फिर को लगाओ करली ब्रैकेट्स स्टार्ट एंड। अब उसके अंदर लिखो डॉलर इन, हम किसका यूज करते हैं? डॉलर इन का यूज करते हैं। ठीक है, डॉलर इन, फिर लिखो कोलन, कोलन एरे का साइन, एरे का स्टार्ट करो एंड करो एंड। उसके अंदर अब सेंड, उसके अंदर लिखो सिंगल कोट में लिखो रोहित कॉमा श्रद्धा, रोहित फिर कॉमा लगाओ फिर श्रद्धा। इनकी मदद से क्या होगा? इनकी मदद से हम मल्टीपल लोगों का डेटा उठा सकते हैं। अब देखो क्वेरी क्या कह रही, कोई सब सुनो, क्या कहा हमने? फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? मैंने कहा भाई नेम में जाओ, लिखा ना नेम, वो नेम में जाएगा, और फिर लगा दी मैंने इन। इनसे मैंने क्या कहा कि भाई तुम रोहित और श्रद्धा और भी जो नेम होंगे ना उनका डेटा उठा लाओ, ये डॉलर इन क्वेरी है, इसकी मदद से उठ के आएगा। ठीक है ना, एंटर दो। एक के श्रद्धा की स्पेलिंग गलत लिखी क्या? एस कैपिटल करो, दोबारा चला दो, श्रद्धा वहां पर कैपिटल में है ना इसलिए। एंटर दे दो, देखो उठ के आ गए एक साथ दोनों, दो होते, 4 होते, 10 होते, 20 होते, उठ के आ जाते अपने आप। देखो यहाँ पे डेटाबेस का नाम MPCT, MPCT, फिर नीचे आओ कलेक्शन नेम आ जाओ, देखो कलेक्शन नेम, कलेक्शन नेम स्टूडेंट्स, स्टूडेंट कोलन लगा लो, कोलन नेम के बाद कोलन, नेम के बाद कोलन लिख दो कोलन। अब नीचे आ जाओ, अब लिखो इसके नीचे फील्ड कौन कौन सी रहेंगी, नेम, नेम फील्ड लिख लो। ये टास्क आपको बना के भेजना है, नेम कॉमा ईमेल कॉमा फोन, फोन कॉमा सैलरी, सैलरी बस। अब नीचे आओ फाइव रिकॉर्ड इंसर्ट कर लेना, लिख दो फाइव रिकॉर्ड इंसर्ट, इंसर्ट फाइव रिकॉर्ड, इससे मुझे मालूम पड़ा कितने लोग काम कर पा रहे हैं अच्छे सब, तब फिर आगे क्वेरी पढ़ पाओगे आप लोग। अब नीचे आओ डिस्प्ले, डिस्प्ले होगा, फिर नीचे फाइंड आईडी से, फाइंड आईडी से करना है, और फाइंड देखो फाइंड सैलरी से भी करना है, फाइंड सैलरी से भी कर लेना डाल के, जिसकी सैलरी 20,000 है उसका डेटा उठ के आ जाए फाइंड सैलरी से। ठीक है, और नीचे आओ तो वी बोलोगे अपडेट का, आ जाओ नीचे अपडेट करो, अपडेट सैलरी को अपडेट करना है, किसी की भी सैलरी अपडेट कर देना आप, है ना, डिलीट, डिलीट,
नीचे आ जाओ, लिमिट लिमिट वाली कोई चला लेना, फंक्शन साइन लगा दो, काउंट काउंट सब चलवा दी जाओ ना आज। चलो एक एंड वाली चला लेना, वही बताई ना नेम एंड वाली, एक बुक चला लेना आराम से एंड वाली, ठीक है। ये साइज चलवा चुका हूँ आज, एंड एंड वाली, ठीक है। सब लोग समझ में आ गया टास्क, जी सर कर लोगे ना?